कहते हैं कि जब कोई कुछ कर गुजरने का सोच लेता है तो कायनात भी उसे मुकाम हासिल करा देती है। अब रवि कांत और उसके परिवार के अलावा किसने सोचा होगा कि पानीपुरी के ठेले पर पिता की मदद करने वाला रवि कांत एयरफोर्स में पायलट बन जाएगा। कभी नीमच जिले के मनासा में द्वारकापुरी धर्मशाला के सामने पानीपुरी का ठेला लगाने वाले देवेंद्र चौधरी का बेटा रवि कांत पायलट बन गया। रवि कांत ने पायलट बनने का सपना पाला था, जिसे वो पिता के साथ ठेले पर पानीपुरी बेचकर साकार करने में लगा था। रविकांत पढ़ाई के साथ पानीपुरी के काम में पिता की मदद कर रहा था। उसकी लगन और मेहनत अब रंग लाई है। महज 21 साल के रविकांत का भारतीय वायुसेना में पायलट के लिए चयन हुआ है। उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट क्लियर कर लिया है। रविकांत की उपलब्धि से मनासा गौरवान्वित हो रहा है। रविकांत के कठिन परिश्रम के साथ साथ पिता ने हर तरीके से सपोर्ट किया। जहां रविकांत ने पढ़ाई के साथ साथ पिता का हाथ बटाया, वहीं आर्थिक तंगी के बावजूद देवेंद्र ने भी बेटे की परवरिश और पढ़ाई में कसर नहीं छोड़ी। कोविड में लोगों को खाने को खाना नहीं मिल रहा था, तब देवेंद्र का ठेला भी बंद हो गया था। ऐसे में पिता ने जैसे तैसे कर्ज लेकर बेटे को पढ़ाया और इस मुकाम तक पहुँचाया। रविकांत चौधरी ने बताया कि नीमच छावनी है, यहाँ CRPF का बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। उसी को देखते हुए देश सेवा का जज्बा मन में जागा। जब 10th में था तब इस फील्ड में आने का सोचा और जानकारी जुटाना शुरू की। इसके बाद मन में कुछ करने की सोचा। देश सेवा के लिए CRPF और आर्मी को छोड़कर वायुसेना को चुना। 12th पास करने के बाद नेशनल डिफेंस अकेडमी की प्रतियोगी परीक्षा दी, जिसमें कई बार नाकाम हुआ, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह ने हौसला दिया। माता पिता का भी सपोर्ट मिला। बिना कोचिंग के घर पर ही इंटरनेट की मदद से पढ़ाई की। 4 साल की मेहनत के बाद एयरफोर्स में पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। रविकांत के पिता वर्षों पहले UP से मनासा आए थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। रविकांत के बड़े भाई 23 साल के हैं, वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। बहन अभी छोटी है और वह स्कूल में है। रविकांत ने बताया कि फिलहाल पिता की कमाई से ही परिवार का भरण पोषण होता है। ऐसे में दोनों भाइयों को जब भी पढ़ाई के बाद समय मिलता है, हम मदद करने ठेले पर पहुंच जाते हैं। परिवार ने संघर्ष का दौर देखा है। जब लॉकडाउन लगा, सबसे ज्यादा परेशानी कोरोना के समय हुई। करीब 1.5 साल तक व्यवसाय बंद रहा। ठेला नहीं लग पाने से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। ऐसे कठिन समय में भी परेशानी जाहिर नहीं होने दी। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो भारतीय वायुसेना में भर्ती के लिए वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, इस परीक्षा में सफलता हासिल कर एयरफोर्स ऑफिसर के तौर पर करियर की शुरुआत की जा सकती है। लगभग मुझे 4 साल लग गए ये सफलता करने में। पापा ने काफी टाइम दिया मुझे पढ़ाई के लिए। घर की परिस्थितियां जैसी भी रही, टाइम पढ़ाई के लिए पूरा मिला हमको। जो भी सुविधाएं लगती है पढ़ाई में, सब कुछ मिला। और यही चाहेंगे अपन कि सब कुछ सुविधाएं मिली रहे।